Are you a cricket lover? My name is Tarun Agarwal and I am digital networker. So, do you know one cricketer whose name is Ricky Ponting? So, Ricky Ponting, जैसे मैं कभी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो इस मुझे याद आया रिकी पॉन्टिंग के बारे में. सो रिकी पॉन्टिंग से एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ऐसा क्या होता है कि जब आप बैटिंग करने चाहते हो और जब बॉल फेस करते हो तो आप जब बॉल प्लेस करते हो तो हमेशा गैप में क्यों जाता है, फील्डर के हाथ में क्यों नहीं जाती, जबकि बाकी बैट्समैन जब आते हैं तो पहले की जो तीन चार बॉल वो प्लेस करते हैं तो मोस्टली फील्डर्स के हाथ में जाती है. सो व्हाट इज द सीक्रेट? ओके, तो इसके लिए रिकी पॉन्टिंग ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया. आपको पता है रिकी पॉन्टिंग जो हंसते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, ऐसे करके हंसते हैं. तो खैर, तो एकदम से क्या हुआ, रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि जैसे ही कोई नया बैट्समैन क्रीज पर आता है तो वो पहले की तीन चार बॉल काफ़ी नर्वस बॉल होती हैं, समझ नहीं आता कि बॉल कैसे जा रही है, भाई स्विंग हो रही है, स्पिन हो रही है, क्या हो रहा है. सो यूजुअली क्या करते हैं, एक बैट्समैन जब बैटिंग करने आता है तो फिर वो लेग गार्ड और मिडिल गार्ड ऐसे अंपायर से पूछता है और अंपायर उसको बताता है. एंड देन लेटर ऑन एक बैट्समैन बॉल फेस करने से पहले वो चेक करता है, ऐसे करके वो चेक करता है फील्ड प्लेसमेंट कि फील्डर्स कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं. सो जाहिर सी बात है वो फील्डर्स चेक करता है फील्ड प्लेसमेंट, बॉल फेस करता है. लेकिन जब मैं बैटिंग करने आता हूँ आई ऑल्सो टेक गार्ड लाइक दिस एंड देन लेटर ऑन आई डोंट सी फील्ड प्लेसमेंट, आई सी गैप प्लेसमेंट्स. ओके, सो आई सी गैप्स. मैं ये नहीं चेक करता हूँ कि फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, मैं ये चेक करता हूँ कि गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं. सो बिकॉज अदर बैट्समैन दे सी फील्डर्स, दैट्स व्हाई उनकी बॉल फील्डर्स कैप पे जाती है. आई सी गैप्स, दैट्स व्हाई मेरी जो बॉल होती है वो गैप्स में जाती है मोस्टली. सो दैट इज अ सिंपल आंसर. नाउ इट इज अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग. तो आपको इधर डिस्टर्बेंस आ रही होगी, खैर नॉइज आ रही होगी, दैट्स नॉट एन इशू, बच्चों से खेलने का. सो हिट इज अ ग्रेट लर्निंग एंड द लर्निंग इज at this time during pandemic there are many people who see pandemic as recession and they are into anxiety because they are seeing fielders are actually problems. Okay, but only very few people right now they can see the opportunity, and the opportunity is the gap. If you are ready, if you have trained your mind, if you want to train your mind to see the gaps, I welcome you to network marketing. Because network marketing ke bare mein I'm not sure what you think about network marketing, but let me tell you, this is an industry jo ki recession ke time pe actually this becomes a solution giver. Okay, so recession, job nahi hai, unemployment, this is the biggest problem solver, and unemployment ka, that is network marketing. So I just want you to see network marketing as gap, as something which is an opportunity for you at this time. This is actually recession proof business which gives you stability and security if you build it professionally and in the right way. Okay, so this is what I wanted to tell you from Ricky Ponting. I hope you got some learning. Hey bowler, ek minute ruki wahi par hi, fir se ball karaiye, let's play one more ball. Okay.